जुर्म की दुनिया के साथ साथ पूर्वांचल की सियासत में दबदबा रखने वाला मुख्तार अंसारी भले ही गैंगस्टर रहा हो, पर उसका परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी था। उसके दादा आजादी की लड़ाई लड़ चुके थे और नाना देश के लिए शहीद हुए। फिर कैसे कैसे एक प्रतिष्ठित परिवार का एक लड़का गैंगस्टर बना और जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। दरअसल मुख्तार अंसारी ने 1980 के दशक में ऐसी जगह से अपराध करना शुरू किया जहां सरकारी ठेकों के लिए लड़ाइयां अक्सर गिरोहों के बीच में हुआ करती थी। पूर्व के गैंगस्टर और बाद में राजनेता बने मुख्तार अंसारी की गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि रमजान का रोजा तोड़ने के बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी और जब तबियत बिगड़ी तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर उनकी वहां पर मौत हो गई। 60 साल के अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ करीबन 60 से अधिक मामले लंबित हैं और वहीं बांदा जेल में वह बंद भी थे। तो आखिर कैसे कैसे हुई उनकी मौत, क्योंकि 19 तारीख को उन्होंने लेटर में लिखा था कि मुझे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मेरी मौत हो सकती है, कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद मुझे नसों में दर्द होने लगता है, नसों में थरथराहट होने लगती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी मौत हो जाएगी। तो फिर क्यों शासन प्रशासन इसको लेकर चुप रहा और 2 दिन बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ देर बाद ही उन्हें वेंटिलेटर में भेज दिया गया। परिवारजनों को बोला गया कि उनकी हालत गंभीर है, आके उन्हें देख ले, पर उन्हें देखने नहीं दिया गया और बाद में उनकी मौत का न्यूज सबको दे दी गई। 1960 में उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी के अपराध के क्षेत्र में सत्ता के शिखर तक विवादित और दिलचस्प यात्रा थी। मुख्तार अंसारी के पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आता था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता भी थे। और वहीं मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान खुद भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे और 1948 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में उनकी मौत हुई और वह महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित भी हुए।